नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी में हलाल प्रोडक्ट्स के अवैध धंधे पर सीएम योगी की सख्ती का असर दिखाई दिया। हलाल प्रोडक्ट्स का अवैध धंधा करने वाले और हलाल सर्टिफिकेट देने वाले 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में 4 कंपनी समेत 9 लोगों पर एफआईआर हुई है। इन कंपनीज पर आतंकी फंडिंग कनेक्शन तक के आरोप लग रहे हैं। फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी की स्ट्राइक, नफरत फैलाने वालों पर यूपी पुलिस का एक्शन, खानों की चीजों पर हलाल का सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों पर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में जो मामला दर्ज किया गया है उसमें इन कंपनियों पर बहुत ही बड़े आरोप लगाए गए हैं। इस्लामी धर्मशास्त्र में जिन चीजों को हराम बताया गया है उन्हें करने की मनाही होती है, वही हलाल जो चीजें हैं वो करने की इजाजत होती है। आम तौर पर अगर आप सीधे भाषा में ये कहें तो हलाल खाने पीने की चीजों और जानवरों की वध प्रक्रिया पर लागू होता है। हलाल सर्टिफाइड का सीधा मतलब है कि वो प्रोडक्ट इस्लामी मान्यताओं के अनुसार बनाया गया है, और आमतौर पर हम कई प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफाइड स्टाम्प देखते हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी ट्रस्ट कैसे किसी चीज को सर्टिफाइड कर सकती है, जबकि भारत सरकार या राज्य सरकारों ने हलाल को अपने तौर पर मानता नहीं दी है। अब हजरतगंज लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे सर्टिफिकेशन का बड़ा धंधा अब तक चल रहा था और आखिर अब तक किसी ने इस पर गौर क्यों नहीं फरमाया। जिन कंपनियों पर आरोप है उनमें शामिल है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा मुंबई। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही थी और इन पर दंगा कराने का भी आरोप है। जिन धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें शामिल है आपराधिक साजिश, समाज में नफरत फैलाना, अवैध वसूली, जालसाजी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां इस पर एक्शन लिया है तो वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। सुसंगत और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जो लोग इसमें शामिल हैं, जो संगठन शामिल है, यदि वो दोषी पाए गए तो निश्चित रूप से कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। एफआईआर के मुताबिक इन कंपनियों पर आरोप है कि ये शाकाहारी चीजों जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट और शहद वगैरह में भी हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही थी, और आरोप है कि इसके जरिए एक खास समुदाय के लोगों को बरगलाया जाता था कि वो हलाल सर्टिफिकेट वाले ही सामान खरीदें, जिससे दूसरे कारोबारियों का नुकसान होता था और साथ ही समाज में नफरत का माहौल पैदा हो रहा था। साथ ही ये आरोप भी लगाया गया है कि ये कंपनियां अपनी इस साजिश से जहां देश को कमजोर करने में जुटी थी तो वहीं आतंकी संगठनों को फंडिंग भी कर रही थी। फिलहाल हजरतगंज पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अवैध हलाल सर्टिफिकेट को लेकर योगी सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर शिकायतकर्ता शैलेंद्र शर्मा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। को कोई कानूनी मान्यता अभी तक तो मेरी जानकारी में कि नहीं है अगर किस तरह सर्टिफिकेट वो जारी कर सकती है, और सर्टिफिकेट जारी करने का उनका कोई सरकार की मान्यता है, किसी भी सरकार की मान्यता है तो वो ये बताएंगे कि जब जांच आगे बढ़ेगी, और आगे का काम पुलिस का है और पुलिस जांच करेगी और जांच में तेजी करे, यही मांग है मेरी। हलाल प्रोडक्ट के अवैध धंधे पर कार्रवाई को लेकर तमाम सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। AIMIM ने भी इस कार्रवाई को सही ठहराया। वहीं बीजेपी का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। खराब है और ऐसे जितने भी पाए जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, और निश्चित रूप से हम तो मुख्यमंत्री धन्यवाद देते हैं कि जांच कराते हैं, जो दोषी पाया जाता है कितना रसूखदार है सजा मिली। तो आपने उनके धर्म को, किसी के धर्म को भ्रष्ट करना हुआ तो ये
चाहिए और कार्रवाई होने के साथ साथ मैं उलमा जो बड़े हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो भी इस मुद्दे पर आकर खुलकर अपनी बात रखें और ऐसे लोगों का बिल्कुल इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करें। वहीं योगी सरकार की कार्रवाई का हिंदू धर्म गुरु और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी स्वागत किया है। देखिए तो चूंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से शक्ति की और पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक ही थाने की बात नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का जो जब से उन्होंने यह कारभार संभाला है और 17 से लेकर के आज तक में जो भी देखा जा रहा है फर्जी जितने भी फर्जीवाड़े हो रहे हैं वो चाहे हलाला का फर्जीवाड़ा हो चाहे सर्टिफिकेट जिससे संबंधित भी हों और आप देखें जितने भुचलखाने हों इस सब को उन्होंने जो फर्जी चला रहे थे सब कुछ बंद करने का निरस्त कार्य करने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। और योगी सरकार जो है जो भी काम कर रही है वो ठीक कर रही है क्योंकि जितने भी फर्जी चाहे लोग काम करते हों या फर्जी किसी तरीके से फंसाया जा रहा हो अगर उनकी जाँच हो रही है तो अच्छी बात है। हम तो जो है कानून के साथ में हैं क्योंकि हमारा तो यही मानना है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है सोच समझ के उठा रही है किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और उससे जब जो है गलत काम बंद होंगे तो लोगों का फायदा होगा।